ईवीएम का विरोध जो है वो ईवीएम का विरोध अभी इतना बढ़ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है नैतिक ताकत की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के साथ भारत के हर नागरिक ने जुड़ने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है, क्योंकि देखिए अभी दो जजमेंट आपको मैं बता देता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल में दिए। एक तो इलेक्ट्रोलर बॉन्ड का जजमेंट है, वो जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे 250 पेज का जजमेंट है। उस 250 पेज के जजमेंट में 100 पेजेस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की पारदर्शिता के बारे में बात करी है। अगर दूसरा जजमेंट है 19 पेज का जो अपना इन्होंने दिया हुआ, जो इसके ऊपर आए हुआ चंडीगढ़ मेयर का जो इलेक्शन था, उसमें भी 19 पेजेस में सिर्फ और सिर्फ चुनाव में होने वाली धांधली और चुनाव कितना पवित्र होना चाहिए भारत देश के अंदर, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के ऊपर एक यहाँ पर धरना आंदोलन शुरू हुआ है। पिछले कई दिनों से कई लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ईवीएम पे डटी हुई है। सरकार की मंशा यही है कि ईवीएम से ही वोटिंग हो, और सरकार का दावा भी है कि अब की बार 400 पार। लेकिन इन लोग ये लोग ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं विरोध करने की वजह क्या है, क्या वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं, और अगर ईवीएम का विरोध हो भी जा रहा है, मान लीजिए बैलेट पेपर आता है, तो क्या होगा, इनसे बातचीत करके जाते हैं। 8 मार्च को एक बड़ा निर्णय आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा तबका वकीलों का एक बड़ा ग्रुप ईवीएम के खिलाफ काम कर रहा है, वही कहीं तो भी ईवीएम के समर्थक भी वहां पर काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट किस पक्ष में जा सकता है? सबसे पहली बात हमें ये समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सी ऐसी पिटीशन पेंडिंग है जिसका 8 तारीख को जो है फैसला आने वाला है। मुझे अगर आप पूछे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल एक पिटीशन जो मैं जानता हूँ जो पेंडिंग है, वो इसलिए दाखिल की गई है कि जो वीवीपीटी पैड में जो पर्चियाँ जो इकट्ठा होती है, वो पर्चियाँ इकट्ठा होने के बाद उसका मिलान नहीं होता है। वो एक जो पॉलिटिकल पार्टियों का एक ग्रुप है वो कह रहा है कि वो जो चिट्ठियाँ हैं जो जमा होती है, स्लिप्स जो है, वो स्लिप्स और जो नंबर्स आते हैं ईवीएम में उनका मिलान हो, और वो जो स्लिप है वो डायरेक्ट वीवीपैट में ना जाए, वो पहले वोटर के हाथ में आए। तो इस संदर्भ में एक पिटीशन दाखिल है। उसके अलावा ईवीएम बैन करने की कोई स्पेसिफिक पिटीशन दाखिल है क्या, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन हम इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से 2 या 3 दिन में हम वो पिटीशन दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको और एक बात बता दूं कि कोई किसी भी तरीके से हम अगर ईवीएम मशीन को कुछ और एडिशनल इक्विपमेंट भी जोड़ दे या कुछ और तकनीकी खराबियों को दूर करने की कोशिश करके ईवीएम मशीन अगर हम 2024 के इलेक्शन में अगर उनका उपयोग भी कर लें, फिर भी मोदी जी का चुन के आना यानी बीजेपी का चुन के आना इस देश में लगभग संभव है। जरूरी है कि ईवीएम मशीन ही हटे, क्योंकि ईवीएम मशीन का जो दोष है वो पूरा दुनिया मान रही है। अभी तो आप देखिए कि नेशनल कमीशन जो बना था ईवीएम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, 2021 का रिपोर्ट है जस्टिस लोकुर का, उस रिपोर्ट में सारे जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ओपिनियन उस रिपोर्ट में है, और उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि ईवीएम को किसी भी तरीके का एक नॉर्मल एक टेक्नीशियन भी हैक कर सकते हैं। दूसरी बात, उस रिपोर्ट के साथ ही अभी 2023 में सितंबर महीने में एक पिटीशन दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस पिटीशन में ऐसा कहा गया था कि जितने भी ईवीएम हैं उन ईवीएम का जो सोर्स कोड है उस सोर्स कोड का पब्लिक ऑडिट हो, और ऑडिट हो के पब्लिक डोमेन में सोर्स कोड जो है वो सोर्स कोड
जो है इलेक्शन कमीशन बताए, उस पिटीशन के ऊपर निर्णय देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा, ये उनका ओरल ओपिनियन था इन ओपन कोर्ट, कि ईवीएम से जुड़ा सोर्स कोड अगर पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो हैकिंग की संभावना बढ़ जाएगी। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, मान चुका है सुप्रीम कोर्ट कि ईवीएम से धांधली होती है, ईवीएम की हैकिंग हो सकती है, ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है। जब हमें पता है कि भारत में जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में वोट का जो अधिकार है वो सबसे सीक्रेट अधिकार है, अगर वो मूलभूत अधिकारों में नहीं भी आता फिर भी वो एक बेसिक लीगल राइट है जिसको प्रोटेक्ट करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट 1951 से बात कर रहे हैं, अभी से बात नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि प्रत्येक नागरिक के वोट का अधिकार है, उसके मूलभूत अधिकारों से जोड़कर देखना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलता है और अगर इतने बड़े प्रमाण पे अगर धांधलियां हो रही है मशीन में, तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहले जिम्मेवारी है कि हमारे वोट के राइट को प्रोटेक्ट करे। आज ईवीएम मशीन से आप किसी को भी वोट दीजिए, वो वोट आपका उस इंसान को जा ही नहीं रहा है, इसके सारे प्रमाण, अभी मुझे एक एक प्रमाण बताने की जरूरत नहीं है, पूरे दुनिया को बताए कि ईवीएम से क्या हो रहा है। और जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इस ईवीएम मशीन का पूरा पोस्टमार्टम किया है, वो जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईवीएम मशीन ये ग्राम पंचायत के इलेक्शन में भी उसका उपयोग करना कितना इलीगल है, वो कर ही नहीं सकते। और इस कारण ये जो 400 का नारा बार बार लग रहा है, ईवीएम मशीन के भरोसे लग रहा है, इनको पता है कि ये नालायक है, इनको पता है कि 10 साल में इन्होंने बेकारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, महिलाओं के अधिकारों का हनन, नागरिकों के अधिकारों का हनन, खासगीकरण, सारे पीएसयूज को बेच डालना, सारा जो समाज में जो एक भाईचारा था उसको खत्म करके जाति भेद बढ़ाना, भाई को भाई से तोड़ना, धर्मों धर्मों में झगड़े लगाना, और सबसे बड़ा कि एक भारत में एक आतंकवाद फैलाना, इन सारी चीजों की वजह से भारत का हर नागरिक जो है वो परेशान हो चुका है। सर मैं आपको रोक के एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपने जैसा कहा कि ईवीएम को हटाने के खिलाफ अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई पिटीशन है या नहीं आपको पता नहीं है? हाँ। अगर नहीं होगा तो 2-3 दिन में आप डालने वाले हैं। हाँ। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि कोर्ट में केस जाने के बाद निर्णय आने के लिए सालों साल लग जाते हैं, अगर आप अभी कोई पिटीशन डालते भी है तो क्या 2024 के इलेक्शन के पहले उसका निर्णय लग सकेगा? बिल्कुल लग सकेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ईवीएम के खिलाफ हमने एक बात हम हमेशा से बोलते हुए आ रहे इस फोरम के माध्यम से कि जन आंदोलन के साथ साथ न्यायालयीन लड़ाई भी उतनी ही जरूरी है। देखिए जन आंदोलन कितना भी हो लेकिन जब तक पार्लियामेंट से या तो सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं आता तब तक जो है जो चुनाव आयोग जो है वो अपने जगह से टस से मस नहीं होगा। अगर आपको चुनाव आयोग से अगर निष्पक्ष चुनाव करवाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट या तो फिर पार्लियामेंट से कुछ निर्णय लाने पड़ेंगे। और उस निर्णय की कड़ी में मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस ईवीएम के धांधली से रिलेटेड काफी पिटीशंस पेंडिंग है। ईवीएम का विरोध जो है वो ईवीएम का विरोध अभी इतना बढ़ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है नैतिक ताकत की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट के साथ भारत के हर नागरिक ने जुड़ने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है, क्योंकि देखिए अभी 2 जजमेंट आपको मैं बता देता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल में दिए, एक तो इलेक्ट्रोलर बॉन्ड का जजमेंट है, वो जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे 250 पेज का जजमेंट है, उस 250 पेज के जजमेंट में 100 पेजेस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की पारदर्शिता के बारे में बात करी है। अगर दूसरा जजमेंट है 19 पेज का जो अपना इन्होंने दिया हुआ जो इसके ऊपर आया हुआ चंडीगढ़ मेयर का जो इलेक्शन था उसमें भी 3 पेजेस में सिर्फ और सिर्फ चुनाव में होने वाली धांधली और चुनाव कितना पवित्र होना चाहिए भारत देश के अंदर इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के नागरिकों को हिंट दिए कि आप इस जन आंदोलन को, ईवीएम के जन आंदोलन को इतना बड़ा करें कि हम लोगों में वो हिम्मत आए, वो नैतिक ताकत आए, वो संविधानिक ताकत आए कि हम हमारे अधिकारों का उपयोग कर ईवीएम को इस देश से जो है हम खत्म कर सके। और आज उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे ये जो छोटे मोटे आंदोलन चल रहे हैं ये इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे संविधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन करने की अगर कोई वजह हमें आज मिलती है तो वो है ईवीएम। ईवीएम के विरोध में अगर आंदोलन हुआ, वो अगर स्थापित हुआ और वो सफल हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ कि छोटे मोटे जो आंदोलन हो रहे हैं रास्ते पर वो आंदोलन खत्म हो जाएंगे, लोगों के अधिकार मिलेंगे। जो डिक्टेटरशिप इस भारत देश में आई है वो डिक्टेटरशिप खत्म होगी और दुनिया में फिर और भारत देश में फिर से लोकतंत्र लौटेगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारी ये जो लड़ाई है इस बैनर के तले, ये लड़ाई जो है आज से शुरू नहीं हुई है। आपको पता होगा 17 तारीख को भारत की सबसे बड़ी ईवीएम विरोधी राष्ट्रीय जन परिषद हमारे नागपुर में हुई, वो इसी फोरम के द्वारा वो परिषद की गई थी। अभी आज जो हम ये करने वाले हैं आंदोलन, ये अभी आपको सिर्फ धरना प्रदर्शन दिख रहा है। आने वाले 4 या 5 दिनों में अगर सकारात्मक निर्णय किसी भी तरीके का चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता तो हम लोग इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा तीव्र करेंगे। और क्योंकि आज हम किसी भी हालत में हमारे मौलिक अधिकारों का, हमारे संविधानिक अधिकारों का और हमारे कानूनी अधिकारों का हनन हम अभी नहीं होने दे सकते। आज 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, 75 की तुअर दाल जो थी 2016 में वो आज 180 रुपये होगी, जो 80 रुपये का तेल था वो 250 रुपये का हो गया। तो आज अगर मेरे जैसा आदमी भी 1 लाख रुपये भी घर में लेके जाता है, 6 लोगों का अगर उसका परिवार भी है फिर भी अपना घर नहीं चला सकता। आप उन लोगों का सोचिए कि जो अशिक्षित है, जिनके पास किसी भी तरीके की सुख सुविधाएं नहीं है, वो 25,000 रुपए कमा कर भी उनको आज अनाज लेना पड़ रहा है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट उनको अनाज दे के भिखारी और बेकार बनाना चाहती है। ये एक तरीके का जो आरएसएस का छुपा एजेंडा है कि यहाँ के बहुजन समाज को पूरी तरीके से हाशिए पे लाकर भिखारी बना दे, बेकार बना दे। उस एजेंडे को कहीं ना कहीं अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले 2024 के बाद भारत में लोकतंत्र तो अभी जा ही चुका है, लेकिन 2024 के बाद अगर मोदी आए तो लोकतंत्र ना सिर्फ अपनी सांस तोड़ देगा देश के अंदर, लेकिन एक नए हुकुमशाही का इस देश में जन्म होगा। और अगर ऐसा होता है तो सारी संस्थाएं आज जिस तरीके से डरी हुई है वो खत्म हो जाएगी और एक अलग युग जो है जिस युग के वजह से हजारों साल बहुजनों का शोषण हुआ वो युग फिर से। हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं संविधान चौक पर लोग बैठे हैं, एक ही डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और जब तक इस देश में ईवीएम की प्रणाली है चुनाव प्रक्रिया में, तब तक इस देश के लोगों का अविश्वास है कि ये जो जनता है ये चाहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों ना हो। तो लगातार जो आशंका ईवीएम पर हो रही है कि ईवीएम की वजह से इलेक्शन के नतीजे बदले जा रहे हैं, हमारे वोटों की चोरी हो रही है, आप कहीं किसी भी बड़े शहर में जाइए, किसी भी छोटे कस्बे में जाइए, हर जगह यही मांग उठ रही है कि ये 2024 में जो चुनाव है वो ईवीएम से ना हो, बैलेट पेपर पे हो, हमें पता चले कि हम जो वोट जिसको दे रहे हैं वो वोट इसी को जा रहा है, लेकिन ईवीएम से ऐसा नहीं होता है, नहीं पता चलता है कि ये वोट कहाँ जा रहा है। इसलिए यहाँ हजारों की जो संख्या आप देख रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं सारे महिलाएं पुरुष सब लोग जो बैठे हैं, वो इसीलिए बैठे हैं कि इस मांग को पुरजोर कर रहे हैं। दिल्ली की जो सरकार है या जो एजेंसियां है, इलेक्शन कमीशन है दिल्ली में बैठा हुआ, महाराष्ट्र में बैठा हुआ, उन तक ये आवाज पहुंचे कि ईवीएम मशीन बंद हो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का कार्यक्रम सहभागी झालो आहे। साधारणतः कितीतरी दिवसापासून, महिन्यांपासून दिल्लीपासून तर गल्लीपर्यंत हा कार्यक्रम सुरू आहे, नागपूरमध्ये सुद्धा हा कार्यक्रम सुरू आहे आणि याच्यामध्ये ईवीएममध्ये अतिशय धांधली होते आहे, गडबडी होते आहे, याच्याबद्दल अतिशय प्रामाणिकपणाने सिद्ध करून दाखवलं, प्रमाणबद्ध रीतीने सिद्ध करून दाखवलं, तरी पण आपलं जे सरकार आहे ज्यात त्याच्याकडे लक्ष देत नाही, म्हणून आता हे शेवटच्या स्तरावर हे आंदोलन सुरू झालं आहे।
त्याच्यामुळे आता याचं काय होईल हे सांगता येत नाही, कारण हे आता जनतेचं आंदोलन आहे. एका राजकीय पार्टीच्या विरुद्ध राजकीय पार्टीचं हे आंदोलन न राहता आता सत्याचा विजय करण्यासाठी संपूर्ण जनतेने आता रस्त्यावर येणं गरजेचं झालेलं आहे. तेव्हा मला हेच म्हणायचं आहे की सरकारने याच्याकडे समजा लक्ष दिलं नाही किंवा इलेक्शन कमिशन याच्याकडे लक्ष दिलं नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागतील आणि जनता त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच मला सांगायचं आहे. ये जो इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ये कैंपेन है, इसको समर्थन देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ. मेरी भी यही डिमांड है कि ये ईवीएम पूरी तरह से बंद होना चाहिए, रुकना चाहिए. आज पूरे देश में बड़े पैमाने पर ये आंदोलन चल रहा है ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम के विरोध में, जिससे हमारे जो वोट है उसकी चोरी हो रही है. हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा वोट कहाँ गया. तो निश्चित ही एक शंका है, संदेह है. तो इस संदेह को दूर करने के लिए ईवीएम के बजाय पुराने बैलेट पेपर पर ही चुनाव होने चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है. आपको याद होगा कि हमारे जो विद्यमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जब वे सत्ता में नहीं थे तब उन्होंने यह डिमांड की थी और ईवीएम पर एक संदेह उन्होंने उपस्थित किया था, एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया था और वे कहते थे कि ये इसमें गड़बड़ी होती है, ये हैक हो सकती है. जब वे कहते थे कि तब हैक हो सकती है तो क्या अभी हैक नहीं हो सकती क्या? हो रही है. और इसलिए इंडिया भारत में अगले चुनाव में ईवीएम कंप्लीट पूरी तरह से बंद करके बैलेट पेपर पर फिर से चुनाव होने चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है. जो संघी लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी सत्ता में बैठे हैं, वो क्यों चाहेंगे कि ईवीएम हटे? क्योंकि सालों तक यहाँ पे राज जिस माध्यम से कर रहे हैं वो है ईवीएम. तो ईवीएम मशीन उनका अस्त्र है, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि ईवीएम हटे. और ये सिद्ध हुआ है हजारों एविडेंसेस है कि ईवीएम न कि सिर्फ मैनिपुलेट होती है बल्कि वो हैक भी होती है. हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि देश की सबसे बड़ी परिषद 17 फरवरी को हम लोगों ने इंदौरा मैदान में ली, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने शिरकत की. तो लोग चाहते हैं, भारत की जनता चाहती है कि ईवीएम हटे. क्यों? क्योंकि राइट टू वोट वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फंडामेंटल राइट है, न कि साधारण राइट है. वो जो संविधान में निहित राइट्स रहते हैं वो और फंडामेंटल राइट्स, इसमें फर्क रहता है. तो ऐसा मौलिक अधिकार यानी राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326, अगर वो राइट टू वोट का ही वायलेशन हो रहा है, हमारी वोट की चोरी हो रही है, हम जिसको वोट देना चाहते हैं वो उसको वो वोट नहीं जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा धोखा और अपमान इस जनता के साथ है. इसीलिए इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से तमाम देशवासियों की यही मांग है कि अभी अब की बार बैलेट पेपर से ही चुनाव हो. अगर रूलिंग पार्टी बोल रही है कि 370 तक हम लोग जाएंगे, 400+ हम लोग जाएंगे, तो ठीक है. हम वोट किस लिए करते हैं? हम वोट करते हैं देश के विकास के लिए, देश का लोकतंत्र फले फूले, शिक्षा के लिए और देश की तरक्की, इसलिए आम जनता वोट करती है. लेकिन अगर वोट की चोरी होती है तो ये बहुत बड़ा धोखा हुआ कि नहीं. तो अगर ये 400+ इतना 400 तक हम लोग आएंगे, इतना कॉन्फिडेंटली ये लोग बोल रहे हैं, तो फिर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं? नहीं, लेकिन विकास की अगर बात करते हैं तो शहरों में, नगरों में विकास हो रहा है, कई तरह का विकास हो रहा है. जिस तरह से उन लोगों ने कमिटमेंट किया था, उन्होंने राम मंदिर बना दिया, कई सारे शहरों के नाम बदल दिए. देखो, राम शहर में मेट्रो आ गई है, सीमेंट की रोड बन रही है, ये भी तो विकास ही है ना. आप बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनाया, ठीक है, राम मंदिर यानी देश की बात नहीं हो सकती. दिस इज द सेक्युलर कंट्री और यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो राष्ट्र का झंडा नीचे और धर्म का झंडा ऊपर कर रहे हैं. हर किसी को अपना अपना धर्म अप्लीकेबल करने का इंडिविजुअल राइट है, लेकिन जिस तरह से ये सरकार के मंसूबे चल रहे हैं ये टोटली तानाशाही के ओर जा रहा है और डेमोक्रेसी के ये हत्या है, ये खुलेआम हम लोग देख रहे हैं. जैसे कि अभी का उदाहरण ले लो, सब जगह मोदी की गारंटी, ऐसा संविधान में है ही नहीं. और पैसा हमारा खर्च होता है, जनता के टैक्स से वो लोग प्रचार कर रहे हैं, फिर मोदी की गारंटी क्यों? ये तो खुलेआम लोकतंत्र की हत्या है. तो ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे. जो कि मेनस्ट्रीम मीडिया है वो उनका प्रवक्ता बना हुआ है मोदी का, जो कि जांच एजेंसी है वो मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ता बने हुए हैं.
आज इथे संविधान चौकामध्ये इंडिया अगेन्स्ट ईव्हीएम ही आम्ही धरणं आंदोलन इथे सुरू केलेलं आहे। या भारतातील 80% लोकांची ही मागणी आहे की येणारी निवडणूक आणि यापुढे होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकी ह्या 2024 नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकी ह्या बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्या, ईव्हीएमला रद्द हद्दपार करण्यात हव्या, कारण रूलिंग पार्टी सत्ता पार्टी जी आम्हाला असं आश्वासन देते आणि खात्री देते की अब की बार 400 पार, तर मग त्यांना हाच कॉन्फिडन्स हीच खात्री बॅलेट पेपरवर का नसावी। जर त्यांना जनतेचा विश्वास संपादन करायचा आहे तर त्यांनी ही निवडणूक बॅलेट पेपरवर लढवून दाखवावी आणि 400 पार नक्कीच होऊन द्यावे, आम्ही पण त्यांचं समर्थन करू। परंतु आता जर तुम्ही बघत आहात तर इथली सामाजिक व्यवस्था ढासळलेली आहे, इथली न्याय व्यवस्था ढासळलेली आहे आणि हे दोन्ही व्यवस्था जेव्हा ढासळ ह्या राजकीय व्यवस्थेच्या मुळेच ढासळलेली आहे, कारण ही राजकीय व्यवस्था इथल्या न्याय प्रणालीला पाया तुडवत आहेत, लोकशाहीचं हनन होत आहे, हुकुमशाही निर्माण झालेली आहे, जगात सर्वत्र अराजकतेचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। आणि जर लोकशाही वाचवायची आहे, या संविधान वाचवायचं आहे, तर येणारी प्रत्येक निवडणूक ही बॅलेट पेपरने व्हावी असं आमचं ठाम मत। अब की बार 400 पार, तो क्या वाकई में ईवीएम से ही 400 पार हो गई या फिर बैलेट पेपर पर भी हो गई? सारे लोगों की मांग है, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की ये पूरी तरह मांग है कि वाकई में अगर अब की बार 400 पार होने हैं तो वो बैलेट पेपर से क्यों ना हो। ये बहुत बड़ा सवाल है, बैलेट पेपर से अगर ये होता है तो सारे लोग उसका समर्थन करने के लिए भी तैयार है। क्या वाकई में भारत में फिर एक बार बैलेट पेपर से वोटिंग शुरू होगी या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जुड़े आवाज इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया।